नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। आज ये स्टॉक आपको 16-17 रुपए नीचे मिल रहा है, बट एक्चुअली में ये नीचे नहीं, ये ऊपर है, 4 रुपए ऊपर है। अब आप कहोगे कैसे भाई, तो चलिए समझते हैं, और मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा बट जो बिगिनर्स होंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज के सेशन में वेदांता का शेयर एक्स डेट ट्रेड कर रहा है डिविडेंड, यानी 20.5 रुपीस पर शेयर एक्स डेट ट्रेड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अगर आपने कल शेयर खरीदा है तो आपको 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, और स्टॉक आज आपका नीचे कितना है 16 रुपए, तो 20.5 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा, 16 रुपए नीचे, दैट मीन 4 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। अब ये डिविडेंड कहां मिलेगा ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 शेयर्स है, तो 100 × 25 करोगे आप तो 2050 रुपए आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से डिविडेंड 5000 से ज्यादा आता है आपके पास, तो उसके ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। तो अगर आपके पास कुछ डिविडेंड कम आए तो समझ लेना टीडीएस कटता है 10% का। अब सवाल ये उठता है कि मैं अगर आज खरीदूंगा तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। मैं अगर आज बेच दूं तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, देखिए वैसे तो ऐसा होता है कि आपको रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके डीमेट में स्टॉक होना चाहिए, और रिकॉर्ड डेट कब है, कल की। अब कल तो बाजार बंद है, मंडे को खुलेगा डायरेक्ट, तो आप मंडे तक होल्ड कर लीजिए स्टॉक को। मंडे को आप बेचेंगे भी तो भी आपके डीमेट अकाउंट में ही शेयर होगा, उसके बाद आप बेच रहे हैं डीमेट से, दैट मीन्स आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। डिविडेंड का अमाउंट कब तक मिलेगा, तो आने वाले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा। ये हो गई डिविडेंड को लेकर बात। अब अगर वेदांता का शेयर कोई नॉर्मली आज खरीदना चाहता है तो क्या ये अच्छे लेवल्स हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट और इंतजार कर ले। तो देखिए रिसेंटली वेदांता के ऊपर काफी सारी रिपोर्ट आई है जो कि अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी जहां पे उन्हें लग रहा था कि अदानी ग्रुप के बाद वेदांता को भी अब डेट कंसर्न्स जताए जा रहे हैं और डेट इश्यूज आएंगे। उनकी जो लंदन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज कंपनी है वो प्रॉब्लम में है, और उसकी अगर मैच्योरिटीज जो आने वाली है उसको पे करते हैं तो वेदांता के पास ज्यादा कैश नहीं रहेगा, क्योंकि सारा पैसा मैच्योरिटीज में ही चला जाएगा, जो कि एक अपने आप में चिंता का विषय बन रहा था। तो ये सारी चीजें देखते हुए वेदांता को लेकर मैं उतना खास पॉजिटिव नहीं हूं, और ना ही 2-4 दिन से था। मैं पहले आपके साथ अराउंड इन्हीं लेवल से पॉजिटिव हुआ था, 360 तक के टारगेट्स की बात करता था, 320 का ब्रेकआउट चाहता था एक बार, 300 से 320 के बीच में बहुत बार मुनाफा बनाया हम लोगों ने, लेकिन 320 का ब्रेकआउट हुआ, 340 तक भी स्टॉक गया, 360 तक नहीं गया, और वहीं से रिवर्सल आया है। अब इस स्टॉक की बात करें तो चार्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। अपने डिविडेंड से पहले एक ऐसे लेवल पे पहुंचा जहां से 20 रुपए भी गिरता हूं तो अपने चार्ट पे ब्रेकडाउन नहीं दूंगा। कैसे, स्टॉक का ब्रेकडाउन होगा 256 के नीचे, स्टॉक डिविडेंड से 3 दिन पहले 273-275 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। अगर वहां से डिविडेंड एडजस्ट हुआ तो स्टॉक अपने टेक्निकली लेवल्स 254-255 को ब्रेक करके नीचे चला जाता और ब्रेकडाउन दे देता, लेकिन स्टॉक उससे पहले 285 तक चला गया और वहां से भी गिर रहा है, 269 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि चार्ट पैटर्न मुझे अभी भी इस स्टॉक का कुछ खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, एक रेंज है ऊपर में अराउंड 285 और नीचे में अराउंड 260 की, जो छोटी रेंज है, और उसके निचले स्तर पे इस समय 269 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और 69-65 की रेंज है। वो ब्रेक करेगा ये स्टॉक तो नीचे अराउंड 256 का अगला टारगेट आएगा, और वो ब्रेक कर दिया तो 240 के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेवल्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है ये शेयर, तो हमें भी लेवल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी है शेयर, अगर आपके पास है तो आप 265 का क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रिक्ट SL रख लेना। एक चीज और कहूंगा, आज वीकली क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे आएगी। देखिए आप डिविडेंड को एडजस्ट मत करिए, डिविडेंड एडजस्ट हो गया जिनको मिलना था, लेकिन टेक्निकली स्टॉक का प्राइस जहां आ रहा है वो मैटर करता है आपके, तो वीकली बेसिस पे लोअर एंड पे, बट ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है। अगर आज ये स्टॉक 265 तक चला जाता है तो फिर आपको बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ दिखेगा, तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब तक 265 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं देता आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। ऊपर का 285 की रेंज है, दोबारा वहां पे आएगा तो आप प्रॉफिट बुक करना या फिर एग्जिट लेने की कोशिश करना। ये तो हो गई ऑलरेडी जो शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, शेयर होल्डर्स नहीं, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या लेनी चाहिए। तो पहला जवाब होगा कि आपके पास मार्केट में और भी बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरा जवाब होगा कि अगर आप वेदांता में ही ट्रेड लेना चाहते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आपको किसी स्टॉक से
प्यार हो जाता है कि भैया मुझे तो इसी स्टॉक से पैसा बना के देना है। कभी किसी ने उसी में पैसा कमाया तो वो उसी में ट्रेड करता है, कभी किसी ने लॉस खा लिया उसमें तो फिर वो उसी स्टॉक से अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। ये फैक्ट है। और इसी चक्कर में, मानसिकता के चक्कर में ही, इमोशंस के चक्कर में ही मैक्सिमम लॉस होता है क्रिएटर्स इन्वेस्टर्स का। तो अभी यहां क्या ट्रेड लेना चाहिए, इसका पहला जवाब होगा आपको कहीं और ढूंढना चाहिए। दूसरा, अगर लेना ही है तो फिर आपको एक स्ट्रिक्ट SL 265 का क्लोजिंग बेसिस पे रख के खरीद लो, लोअर एंड पे खड़ा है अभी, खरीद लो, रिस्क ले लो। 4 रुपए की रिस्क है आपकी, जो भी आपकी पोजीशन होगी अगर उसमें 4 रुपए नीचे जाता है तो आपको काटनी है। अगर 100 शेयर ले रहे हो तो 400 का स्टॉप लॉस बनेगा, 1000 ले रहे हो तो 4000 का बनेगा। जितना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हो ये सोच के करना कि मेरा SL होगा और मेरा लॉस होगा तो आप करिए। तो आपको क्या सब कुछ पता है, टेंशन नहीं लोगे, टेंशन नहीं लेनी बस, बाकी कुछ भी ठीक हो। ठीक है, स्टॉक ऊपर में आपका पहला टारगेट 275 का होगा, दूसरा 280 का और तीसरा 285 का होगा। अब तीन टारगेट दे दिए भाई, कहां प्रॉफिट बुक करें? तो आप जो भी शेयर लोगे तीन भाग में डिवाइड कर दो, पहले वहां बेच देना, फिर वहां बेच देना और फिर वहां बेच देना। और अगर स्टॉक पहला टारगेट अचीव करके नीचे जा रहा हो तो बचे हुए पहले टारगेट के बाद बचे हुए सारे शेयर आप अपनी बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगाओगे, यानी कि फिर मुझे लॉस नहीं हो सकता। वो ट्रेडर सबसे ज्यादा गलत करते हैं जो प्रॉफिट में आने के बाद लॉस करते हैं, कि मैंने 100 रुपए पे खरीदा, 105 का ट्रेड स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट है, 103 पे आ गया शेयर, अब नीचे जा रहा है तो 95 पे स्टॉप लॉस काट रहा है। अरे भाई ऊपर आ गया है, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपनी लेवल्स पे लाओ ना, बाइंग प्राइस पे लाओ। 2% ऊपर खड़ा है फिर भी आप अपने स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पे नहीं ला रहे, दैट मींस आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना हर ट्रेड में। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।